जीडी के 11,200 बच्चों की पुनः परीक्षा होगी और ये परीक्षा 30 मार्च को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11,200 बच्चे हैं कौन से, ये कौन से वो बच्चे हैं जिनकी पुनः परीक्षा यहाँ पर होने जा रही है। पूरी खबर को देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने पूरी खबर है। क्या है भाई? CAPF जीडी के 11,200 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा। पूरी खबर में जानकारी देखें तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मतलब CAPF की सिपाही भर्ती 2024 की कुछ पाली, देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ पाली की ऑनलाइन परीक्षा रद्द की गई है। पहली बात तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें बच्चे की, सभी की परीक्षा रद्द नहीं है। अब वह परीक्षा उसी केंद्र पर जहां पर आपका पेपर पहले हुआ है वहीं पर उसी पाली में, मतलब जैसे अगर सुबह की पाली में था तो सुबह की पाली में ही, और अगर शाम की पाली में था तो शाम की पाली में ही 30 मार्च को कराई जाएगी। मतलब दो चीज यहां पर क्लियर है कि आपकी शिफ्ट वही रहनी है, आपका सेंटर वही रहना है, केवल डेट चेंज हुई है 30 मार्च। 30 मार्च को ये परीक्षा होनी है। संबंधित पाली के अभ्यर्थियों को SSC की ओर से ईमेल और मैसेज के जरिए सूचित कर दिया गया है। तो सभी बच्चे क्या करें, अपनी मेल को बिल्कुल चेक करें और मैसेज बॉक्स को बिल्कुल चेक करें, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कहीं आपका तो उसमें नंबर नहीं है उन 11,200 में। CAPF के अंतर्गत सिपाही के 26,146 पदों पर भर्ती के लिए 20 फरवरी से 7 मार्च तक प्रतिदिन 4 पाली, देखिए कितनी पाली थी, 4 पाली में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के लिए यूपी और बिहार के 19 शहरों में 97 केंद्र बनाए गए और 13 दिन तक चली परीक्षा में 70.40% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षा के दौरान कुछ पाली में CCTV ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसके अलावा कुछ और तकनीकी समस्या आई थी। परीक्षा के बाद हुई समीक्षा में यह गड़बड़ी जो है यहां पर सामने आई, इस कारण उन पालियों की परीक्षा रद्द हुई और फिर से कराने का निर्णय हुआ। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि रद्द की गई परीक्षा की तिथि और केंद्रवार विवरण वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं किस पर, वेबसाइट पर जाकर। जिस पाली में तकनीकी गड़बड़ सामने आई केवल उसी पाली की पुनः परीक्षा कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि सबकी कराई जाएगी, भाई मेरा पेपर बिगड़ गया मेरा भी करा दो। उन्होंने बताया कि एलन हाउस इन्फोर्मेटिक सेंटर कानपुर में 5 मार्च को दूसरी पाली के 126, 7 मार्च को चौथी पाली के 132 और 6 मार्च को की दूसरी पाली में 124 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा होगी। ऐसे ही वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, मेरठ आदि केंद्रों के कुल 11,200 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये किन के लिए नोटिस है और किन की परीक्षा होनी है। आप ये जानने के लिए कि क्या आपका भी नंबर इन 11,200 में तो नहीं है, बिल्कुल या तो SSC की वेबसाइट चेक करें और सबसे आसान काम तो अपना ईमेल और अपना जो है मैसेज बॉक्स चेक कर ले, वहीं से काम आपका बन जाएगा। सभी बच्चों तक इस जानकारी को बिल्कुल शेयर करें।